सम्मान बढ़ावें। इन्होंने भी बहुत ही संघर्ष किया है, आज भी करते हैं लोगों के लिए, दिन रात एक कर देते हैं, किसी को दुखी नहीं रहने देना चाहते हैं। इनका पूरा साउंड एसोसिएशन बहुत ही मेहनत किया हमारे इस कार्य के लिए, तो मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। सतीश जी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने प्यारे आदमी हैं कि इनके साथ अवार्ड के मंच पर खड़ा होना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं इसे भी अपने लिए अवार्ड समझ रहा हूं कि मैं सतीश जी के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद। नहीं, ये उल्टा कह रहे हैं, एक्चुअली मैं इनके साथ खड़ा हूं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, वही 1979 की बात बताता हूँ। गोधूली पिक्चर की डबिंग चल रही थी, हमने उसमें काम तो नहीं किया था, लेकिन कुछ डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया गया था और बीआर साउंड स्टूडियो में तिवारी जी उस पिक्चर की डबिंग कर रहे थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपने पहले 100 रुपए जो है वो गोधूली पिक्चर की, गिरीश कर्नाड की फिल्म थी वो, उसके अंदर इनके अंडर वो डबिंग करते हुए मिले थे 100 रुपए। भारत गौरव जो अवार्ड सतीश साहब को दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देते, ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है। अभी अभी अमेरिका के मिशिगन झील में झील सूखने के बाद 13 किलोमीटर लंबा ये हमारे समृद्धि का निशान श्री यंत्र मिला, जो कि हमारी करोड़ों साल के पहचान है। इसके लिए हमने इसको भारत गौरव का नाम दिया कि ऐसे लोगों को इस श्री यंत्र के द्वारा सम्मानित किया जा सके। यंत्र के साथ साथ गुरुजी ने बातों बातों में हमें बहुत सारे मंत्र भी दिए। जीवन सतत संघर्ष का नाम तो है ही, और जो लोग क्या है वो कम होता है कार्पेट एरिया, लेकिन लोगों के दिलों का जो कार्पेट एरिया गुरुजी बहुत बड़ा है, और वो जरूर आपके हाथ बनेंगे और आपका ये जो संदेश है, मानवता का संदेश है, दूर दूर तक जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत आपने की है। अब आपके समक्ष बॉलीवुड एक्ट्रेस एक नृत्य पेश करने जा रही हैं। चंदू भाई जी ने मुझे खास कहा था कि मैं आऊं तो बस आप बोले और मैं ना आऊं, मेरे बस की बात नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है, मैं अभी अभी यहाँ ये टाइटल पढ़ा कि द सीनियर सिटीजन क्लब, ये बड़ा ही अच्छा नाम दिया इन्होंने और बड़ा ही शुभ कार्य ये करने जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि वृद्धाश्रम ना कह के ये सीनियर सिटीजन क्लब कह रहे हैं। और 3,000 लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी सुना था कौशिक जी की बातों से, मुझे पता लगा कि कुछ 3,000 वृद्धों के लिए जगह होगी, और इससे बढ़िया कार्य कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि जीवन तो पल पल प्रतिपल चलता बढ़ता जाता ही है। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, और जब उसको जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो वृद्ध हो जाता है, और उस वक्त उसके संग कोई नहीं होता। तो ऐसे समय में अगर कोई उसके संग खड़ा रहे और कोई उसके लिए कार्य करे तो वो तो रियली नमन के योग्य है। और मैं इसीलिए इस बात के लिए गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, और आप सब लोगों को भी जो इस फंक्शन में आए, इस कार्य में, इसके लिए आप सब लोग भी प्रणाम के अधिकारी हैं। और कितना क्या बोलता जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। किया गया अनिल जी को।
अब हम अपने प्यारे नीरज पाठक जी जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं, ये हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा दो शब्द हमारे वृद्धाश्रम पर ये बोलें कि आप लोग थोड़ा प्रेरणा लें इनसे। गुरु जी से मेरी मुलाकात करीब 1 साल पहले हुई थी। पहली बार जब मिला तो 2 क्षण में इन्होंने मुझे अपना बना लिया। इनकी इनका स्नेह, जिस तरह से इन्होंने मुझसे मुलाकात की और मुश्किल से मुश्किल समय में बहुत ही सहजता से किसी को उसमें से निकालना, गुरु जी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपसे जुड़ते हैं। और तब से जो मुलाकात हुई तो एक